हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफाउंडली फिजिसिस्ट। आई एम श्वेता। सो आज की वीडियो जो है इसमें वी विल डिस्कस क्लासिकल मैकेनिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन डेल वेरिएशन एंड डेल्टा वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज प्रीवियस ईयर पेपर्स को अगर हम एनालाइज करें तो वहाँ पर जो है इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज के टॉपिक। सो फर्स्ट टॉपिक इज़ हैमिल्टन प्रिंसिपल, जिसको हम वेरिएशनल हैमिल्टन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक दिस टॉपिक एज ईजी एज पॉसिबल, कि जितनी ईजी लैंग्वेज में हम इसको डिस्कस कर सकें। सो सबसे पहले देखो क्या जो ये प्रिंसिपल है, इसका जो है मेन मोटिव क्या है, व्हाट यू गेट टू नो फ्रॉम इट। सो इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश द एक्चुअल पाथ ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेबरिंग पॉसिबल पाथ। सिस्टम है, अगर उसको इनिशियल पॉइंट से जो है फाइनल पॉइंट तक जाना है तो हैमिल्टन प्रिंसिपल से हमें ये पता चलेगा कि वो कौन सा एक्चुअल पाथ है जिसको वो फॉलो करेगा, जहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ अदर पॉसिबल पाथ्स आर देयर। ठीक है, तो उसमें से जो है एक्चुअल पाथ कौन सा फॉलोड होगा। सो स्टेटमेंट से हमें ये बात पता चल गई, जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है मीन्स जो वेरिएशनल हैमिल्टन प्रिंसिपल है, वहाँ से हमें एक्चुअल पाथ विच विल बी फॉलोड बाय द सिस्टम उसके रिगार्डिंग पता चलेगा। ठीक है, सो नाउ मूविंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द हैमिल्टन प्रिंसिपल। स्टेटमेंट से अब आपको पता चल जाएगा कि वो एक्चुअल पाथ कौन सा होगा। ठीक है, स्टेटमेंट से सब क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन प्रिंसिपल, हैमिल्टन प्रिंसिपल की जगह वेरिएशनल हैमिल्टन प्रिंसिपल भी लिखा हो सकता है, या हैमिल्टन को कट करके सिर्फ वेरिएशनल प्रिंसिपल भी लिखा हो सकता है। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, उसको समझना। सो अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, द मोशन ऑफ अ कंजर्वेटिव होलोनॉमिक डायनेमिक सिस्टम फ्रॉम टाइम T1 टू T2 टेक्स प्लेस अलॉन्ग सच अ पाथ दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम बिटवीन द टाइम T1 एंड T2 इज एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम को क्या कहते हैं, स्टेशनरी फॉर द पाथ ऑफ द मोशन। तो स्टेटमेंट में सब लिखा हुआ है कि कौन सा पाथ होगा, वो पाथ होगा जो जहाँ पे जो लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन होगा दैट विल बी इक्वल टू स्टेशनरी या फिर क्या होगा, कांस्टेंट। सो इजी। सो एक्चुअली जितने भी पॉसिबल पाथ्स हैं, अगर सिस्टम इनिशियल पॉइंट ए से बी की तरफ जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स आर देयर, लेकिन सिस्टम कौन सा पाथ फॉलो करेगा, जहाँ पर जो लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन है फ्रॉम टाइम T1 टू टाइम T2 स्टेशनरी के इक्वल हो जाए। तो इसको मैथमेटिकली भी लिख लेते हैं। सो आई जो है दैट इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल फ्रॉम T1 टू T2, एल स्टैंड्स फॉर लैग्रेंजियन, DT इज इक्वल टू एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम को जो हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट या स्टेशनरी, इसको समझना आप। ठीक है, तो एक्सट्रीमम के ये दो नाम हैं, स्टेशनरी कांस्टेंट, उसे आपको और अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो यहाँ पर देखो, नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसको वेरिएशन सिंबल एक अप्लाई कर रहे हैं। ये जो सिंबल है इसको हम डेल से इंडिकेट करेंगे, इसको जब हम पढ़ेंगे वी विल से डेल, वेरिएशन सिंबल है ये, डेल लिखेंगे। सो डेल आई इज इक्वल टू डेल लाइन इंटीग्रल फ्रॉम T1 टू T2 LDT। सो जैसे कि मैंने बताया जो डेल है वो क्या है, वेरिएशन सिंबल। तो लैग्रेंजियन जो यहाँ पर है, लैग्रेंजियन हमने स्टेटमेंट में क्या बात की है कि जो लैग्रेंजियन होगा दैट विल बी एक्सट्रीमम, दैट विल बी कॉन्स्टेंट। अब कॉन्स्टेंट को अगर हम वेरी करेंगे तो कुछ मिलेगा हमें, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डेल वेरिएशन जब हैमिल्टन प्रिंसिपल पर अप्लाई की तो हमारे पास आंसर जो है वो आ गया जीरो, क्लियरली इंडिकेटिंग कि जो लैग्रेंजियन है दैट इज इक्वल टू एक्सट्रीमम, स्टेशनरी, कॉन्स्टेंट फॉर द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। समझ लग गया ना ये। सो डेल वेरिएशन के थ्रू हमने उस चीज़ को कंफर्म किया है। तो हेयर कम्स अ क्वेश्चन, जो कि अभी जो मेरिटोरियस का रीसेंट पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था वेरिएशन प्रिंसिपल का, एंड प्रीवियस ईयर पेपर में भी जो है वेरिएशन प्रिंसिपल का क्वेश्चन प्रेजेंट है। सो यहाँ पर देखो, अब इसका आंसर तो आप लोगों को आता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन देखो क्या है, वेरिएशनल प्रिंसिपल गिव्स द नेसेसरी कंडीशन अबाउट द क्वांटिटी अपेयरिंग एज एन इंटीग्रल वैल्यू हैज़। तो वेरिएशन प्रिंसिपल ने क्या बताया अभी, कि जब आप इंटीग्रल लेते हो क्वांटिटी का, यहाँ पर क्वांटिटी लिख दिया है, ऑल्दो हमें पता वो क्वांटिटी क्या है, लैग्रेंजियन। ठीक है, जब हम इंटीग्रल लेते हैं क्वांटिटी का तो वेरिएशनल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आता है,
क्या कौन सी वैल्यू आती है, स्टेशनरी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, सो इजी। अब यहाँ पर आप देखो क्वेश्चन को मॉडिफाई कैसे इसको कर सकते हैं। वेरिएशनल प्रिंसिपल गिव्स द नेसेसरी कंडीशन अबाउट द क्वांटिटी की जगह लैग्रेंजियन लिखा हो सकता है। ठीक है, लैग्रेंजियन अपीयरिंग एज एन इंटीग्रल वैल्यू हैज स्टेशनरी वैल्यू की जगह एक्सट्रीमम कॉन्स्टेंट कुछ भी टर्म यूज़ की जा सकती है। सो अगर आपको जो है अच्छे से टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को वो कैसे भी चेंज करें, आप जो है बहुत इजीली उसको आंसर कर दोगे। ठीक है ना, तो इसी क्वेश्चन को जो आपने पढ़ा है अभी उसको कैसे भी मॉडिफाई किया जाए तो आप डेफिनेटली जो उसका आंसर कर पाओगे। एंड साथ में समझने वाली बात ये भी है कि क्वेश्चन टिपिकल नहीं आते हैं, दैट लाइक सिर्फ प्रिंसिपल की स्टेटमेंट में से ही जो क्वेश्चन फॉर्म हुआ है, बस आपको जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना है एंड आई थिंक बहुत ईजी होगा क्वेश्चन को क्रैक करना। तो यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएशन प्रोसेसेस हैं वो टू टाइप्स के हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है ना, टू टाइप्स के वेरिएशन प्रोसेस हैं। एक है डेल वेरिएशन जो अभी हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल में अप्लाई किया, एक है डेल्टा वेरिएशन। सिंबल आएगा इसको हम डेल जो है नेम उसे इंडिकेट करेंगे एंड दिस सिंबल विल बी इंडिकेटेड एज डेल्टा। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए डेल डेल्टा। जो डेल वेरिएशन प्रोसेस है वो अभी हमने देखा हैमिल्टन प्रिंसिपल में हमने अप्लाई किया। ठीक है, जो हैमिल्टन प्रिंसिपल है और उसको वैलिडेट किया उसने कि यस जो वेरिएशन भी अप्लाई कर रहे हैं तब भी लैग्रेंजियन जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसलिए डेल वेरिएशन प्रोसेस जो है वो यूज़ होता है हैमिल्टन में। अब हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है कि डेल एंड डेल्टा में डिफरेंस क्या है। समटाइम जो क्वेश्चन है वो फॉर्म हो जाता है डेल में ये चीज़ होती है, डेल्टा में ये जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको समझना ज़रूरी है बिकॉज क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है। तो पहले डेल वेरिएशन के देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट देखो, यूज्ड इन फॉर्मुलेशन ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल, ये तो हमने देखा है ना अभी। डेल वेरिएशन हमने अप्लाई किया हैमिल्टन में, सो डेल वेरिएशन इज़ यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ हैमिल्टन प्रिंसिपल, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन ऐसे भी फॉर्म हो सकता है, सो विच वेरिएशन प्रोसेस इज़ यूज इन हैमिल्टन फॉर्मुलेशन, तो आपको जो पता होना चाहिए कि डेल है कि डेल्टा है। सिंबल्स गिवन होंगे उनको आइडेंटिफाई कर लेना। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू मूव फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट अलॉन्ग ऑल द पॉसिबल पाथ मस्ट बी सेम। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कहते हैं कि जो सिस्टम है वो इनिशियल पॉइंट से जब फाइनल पॉइंट पर पहुंच रहा है कोई भी पाथ फॉलो कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ में से कोई भी वो पाथ फॉलो कर रहा है, टाइम कहते सेम होना चाहिए। इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखो जैसे यहाँ पर P एंड Q दो एंड पॉइंट्स हैं, P इज़ इनिशियल एंड पॉइंट, Q इज़ फाइनल एंड पॉइंट। अब सिस्टम जो है उसको P से Q तक जाना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ आर देयर, को इतने पाथ पॉसिबल है। ठीक है, P से Q तक पहुँचने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल पाथ्स आर देयर। लेकिन जो अगर डेल वेरिएशन की हम बात करें, अगर आप सिस्टम पर डेल वेरिएशन अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर ये कंडीशन आ सकती है कि कोई भी पाथ फॉलो करे सिस्टम P से Q तक जाने का, 1, 2, 3, 4 एनी नंबर ऑफ पाथ, कोई भी पाथ फॉलो करे, टाइम कहते सेम लगता है अगर आप डेल वेरिएशन यूज़ करते हो। दिस इज़ द मेन कंडीशन। सो यहाँ पर जो है इन डेल वेरिएशन पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम कोऑर्डिनेट्स आर फिक्स्ड, वो अनचेंज्ड रहते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर देखो टाइम सेम रखने के लिए, बिकॉज P से Q तक तो शॉर्टेस्ट पाथ है, अब बाकी सारे पाथ में तो टाइम ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, वी कैन से इन दैट टर्म। तो अब इस रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए सिस्टम को कभी स्पीड अप होना पड़ेगा, कभी स्लो डाउन होना पड़ेगा, सो दैट टाइम जो है हर एक पाथ के लिए सेम हो। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो है से क्रिएट हो रही है, दैट इन केस ऑफ डेल वेरिएशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम मे और मे नॉट बी कंजर्व। ठीक है, तो जैसे हम टाइम को वेरी कर रहे हैं, सिस्टम जो है स्पीड, बिकॉज टाइम को यहाँ पर कॉन्स्टेंट रखने के लिए सिस्टम को कोई स्पीड अप कर रहे हैं, स्लो डाउन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो कभी कंजर्व होगी एंड कभी कंजर्व नहीं होगी। सो ऑल दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेल वेरिएशन। अब मूव करते हैं डेल्टा वेरिएशन पर और देखते हैं उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है डेल्टा वेरिएशन का, इट अलाउज द टाइम एज वेल एज द पोजिशन कोऑर्डिनेट्स टू वेरी। तो यहाँ पर जो है टाइम कोऑर्डिनेट भी चेंज हो सकते हैं, पोजिशन कोऑर्डिनेट भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एंड पॉइंट की बात करनी है। ठीक है, जो एंड पॉइंट जो पी एंड क्यू थे, अगर एंड पॉइंट की बात हो तो पोजीशन तो फिक्स हो गई, अब एंड पॉइंट पी एंड क्यू हुई है, कोई भी नंबर ऑफ पाथ आए तो यहाँ पर जो है एंड पॉइंट पर पोजीशन कोऑर्डिनेट फिक्स हो जाएंगे लेकिन टाइम चेंज होता रहेगा।
तो बात भी सही है, टाइम चेंज होना भी चाहिए, है ना। बिकॉज अगर हम पी से क्यू तक जा रहे हैं, अलग अलग पाथ हैं, कितने ज़्यादा पाथ आ रहे हैं यहाँ पर, तो किसी में टाइम कम लगेगा, किसी में टाइम ज़्यादा लगेगा, समझे ना आप। तो यहाँ पर टाइम वेरिएशन जो है, दैट इज़ अलाउड, टाइम इज़ चेंजिंग, दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ डेल्टा वेरिएशन। तो इसी प्रोस्पेक्टिव को जब हम ध्यान में रखते हैं, टाइम चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर जो है एनर्जी कंजर्वड हो रही है, समझे ना आप। तो जो डेल्टा वेरिएशन है, दैट इज़ मोर रियलिस्टिक वेरिएशन, ये आपको ध्यान में रखना है। सो मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस यही है, डेल्टा वेरिएशन में जो है पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एज वेल एज टाइम कोऑर्डिनेट्स बोथ आर फिक्स्ड, लेकिन डेल्टा वेरिएशन में दोनों वेरी करते हैं, टाइम भी पोजिशन भी, लेकिन एंड पॉइंट पर जो है टाइम जो पोजिशन है सॉरी फिक्स हो जाती है, टाइम चेंज होता रहता है। एनर्जी डेल वेरिएशन में जो है मे और मे नॉट बी कंजर्वड, लेकिन डेल्टा वेरिएशन में एनर्जी इज़ श्योरली कंजर्व्ड, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों वेरिएशंस के। सो नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। लीस्ट एक्शन मतलब जो एक्शन है उसको हमने लीस्ट करना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्शन होता क्या है, ठीक है। सो एक्शन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल फ्रॉम T1 to T2 समिशन ऑफ के पी के क्यू के डॉट डी टी। सो दिस इज एक्शन, ठीक है। तो एक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन में हम क्या करेंगे, सो लीस्ट एक्शन में क्या होगा, लीस्ट एक्शन में यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, डेल्टा वेरिएशन। डेल्टा वेरिएशन जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे, अब देखो एक्शन जो है वो लीस्ट है, लीस्ट मतलब पहले ही कम है, मिनिमम है। जब आप इसको वेरी करोगे, वो कांस्टेंट हो चुका है, ठीक है ना, वेरी करोगे तो यहाँ पर जो आंसर है लाइन इंटीग्रल का वो क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना कि जो वेरिएशनल प्रिंसिपल हैमिल्टन वाला है वहाँ पर डेल वेरिएशन यूज़ हुआ है, जो वेरिएशनल प्रिंसिपल लीस्ट एक्शन वाला है वहाँ पर डेल्टा वेरिएशन यूज़ हुआ है, ठीक है। तो ये समझना है इस चीज़ को। अब यहाँ पर हमने जैसे ही डेल्टा वेरिएशन लगाया, अब याद करो जो डेल्टा वेरिएशन है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, वहाँ पर जो पोजिशन कोऑर्डिनेट है वो तो फिक्स था, लेकिन टाइम कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे थे, राइट, यही था ना। तो यहाँ पर ऐसे ही हुआ, इस लाइन इंटीग्रल को ज़ीरो करने के लिए जो डी टी है दैट कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, बिकॉज टाइम इज़ चेंजिंग, टाइम इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट इन केस ऑफ डेल्टा वेरिएशन। दैट्स वाई जब हम टाइम को डिफ्रेंशिएट करेंगे आंसर ज़ीरो नहीं आने वाला, सो डेल्टा टी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, समझ के ना ये बात। अब उसके बाद क्यू के डॉट कैसे ज़ीरो हो गया, क्यू के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग पोजिशन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। और पोजिशन कोऑर्डिनेट्स एट एंड पॉइंट क्या हैं, दे आर फिक्स्ड। जब आप उनकी वेरिएशन करोगे, डेल्टा वेरिएशन करोगे, तो आंसर आ जाएगा जीरो के इक्वल। सो दैट्स वाई जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन है उसमें ये क्वांटिटी जो है दैट बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो। आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट दैट हाउ व्हेन वी अप्लाइड डेल्टा वेरिएशन एक्शन बिकम इक्वल टू ज़ीरो। कैसे हुआ ये, बिकॉज डेल्टा टी जो है वो जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, बिकॉज हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डेल्टा वेरिएशन। डेल्टा वेरिएशन में टाइम जो है दैट इज चेंजिंग, पोजिशन कोऑर्डिनेट्स आर फिक्स्ड, इसलिए डेल्टा क्यू हो गया जीरो, एक टर्म जीरो होने पे आंसर जीरो आ जाता है ना, तो जीरो हो गया यहाँ पर। सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन। सो नेक्स्ट जो है, हमने कुछ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लीस्ट एक्शन डिस्कस कर रही हैं, अगर मतलब हमने कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस लगाई दैट हाउ द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन चेंजेस। फर्स्ट देखो यहाँ पर क्या है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस डू नॉट इन्वॉल्व टाइम एक्सप्लिसिटली, ठीक है। तो अगर वो टाइम को नहीं इन्वॉल्व वहाँ पर हो रहा है, डेल्टा टी से यहाँ पर हमने क्या किया, टी को रिमूव कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या था, टाइम इन्वॉल्व नहीं हो रहा कोऑर्डिनेट में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिग्मा के पी के क्यू के डॉट रह गया, डी टी हट गया, लाइन इंटीग्रल में टी हट गया यहाँ पर, ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पर हम देखो पी के क्यू के डॉट को क्या हम 2t लिख सकते हैं, पी के क्यू के डॉट, पी क्या होता है, पी इज मोमेंटम, मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी एम वी, क्यू के डॉट क्या है, मतलब x डॉट क्या होगा, v वेलोसिटी, तो ये क्या बन गया, एम वी स्क्वायर। अब एम वी स्क्वायर को हमने काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, सो यहाँ पर क्या आ गया, 2 into half mv square, mv square है काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर 2t उसको लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस तरीके से सिग्मा के पी के क्यू के डॉट जो है वो आ गया 2t के इक्वल। सो नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो टाइम का एक्सप्लिसिट फंक्शन नहीं है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे आंसर क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल। तो यही हमने किया, डेल्टा वेरिएशन ने यहाँ लगाई 2t
TTT is equal to 0 आ गया. रीज़न बिहाइंड दिस इज बिकॉज यहाँ पर जो T है, जो काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम. बिकॉज यहाँ पर ने यही बात बोली है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस डू नॉट इन्वॉल्व टाइम एक्सप्लिसिटली, अगर वो टाइम का फंक्शन नहीं है तो इस तरीके से जो है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन विल चेंज. तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे इसका फॉर्म हो सकता है कि अगर आपको कंडीशन दे दी जाए दैट वट विल बी द न्यू स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन इफ़ द कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट इन्वॉल्व टाइम एक्सप्लिसिटली. तो आपको ऑप्शंस में जो है ये कंडीशन है, ठीक है, इसको मेंशन कर दिया जाए. तो इस तरीके से बन सकता है, बस आपको जो है इसका रिजल्ट याद रखना है कि जब जो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस में टाइम नहीं इन्वॉल्व है देन कैसे प्रिंसिपल एक्शन, जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन है, चेंज हो जाता है. सो सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर देखो, व्हेन सिस्टम इज द नॉट एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस. अब सिस्टम मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, या कोई भी उसका पाथ है उसको फॉलो कर रहा है, अब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है. मतलब वो जिस अपनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा था वो उसी से मूव कर रहा है, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है. तो क्या हम कह सकते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी? सही बात है ना, ऐसा ही होगा ना, ठीक है. जब सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगी, इन दैट केस इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बिकम कांस्टेंट. सो कांस्टेंट का यहाँ पर हमने टी को रिमूव ही कर दिया बिकॉज इट इज़ सम कांस्टेंट विच कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है. तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह गया, डेल्टा T1 T2 dt इक्वल टू जीरो. टी सो काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्स्टेंट, ठीक है. तो उसको रिमूव कर देना यहाँ पे कॉन्स्टेंट को. सो इसको जब हम T के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू जीरो, विच इज़ फर्मैट्स प्रिंसिपल विच वी नो इन ऑप्टिक्स, ठीक है. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है कि जब जो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन इफ़ यू कंसिडर, तो इफ़ द सिस्टम इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स देन द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन चेंजेस टू विच प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन कौन से एक और प्रिंसिपल में चेंज हो जाएगा, तो आपको नाम पता होना चाहिए. फर्मेट प्रिंसिपल है. फर्मेट प्रिंसिपल क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स बिटवीन टू पॉइंट अलॉन्ग सच अ पाथ दैट द टाइम टेकन इज एक्सट्रीमम. तो रे ऑफ लाइट कहते हैं इस तरीके से मूव करती है किसी दो पाथ में कि जो टाइम टेकन है वो कॉन्स्टेंट रहता है. समझे ना, कोई दो पॉइंट है ए एंड बी, अब रे ऑफ लाइट उसमें से पास करेगी तो हर बार टाइम सेम ही रहेगा ना ए एंड बी में. जब भी रे ऑफ लाइट मूव करेगी टाइम हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, टाइम नहीं चेंज होगा. सो दिस इज़ व्हाट फर्मेट्स प्रिंसिपल इज़ ऑल अबाउट. सो दिस इज़ द फॉर्म टेकन बाय प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन इफ़ यू कंसिडर दैट सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही है. सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो. आई होप आपको जो है दोनों वेरिएशन प्रिंसिपल्स हैमिल्टन एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन क्लियर हो गए होंगे अच्छे से. एंड ऑल्सो आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि जो डिफरेंस है डेल वेरिएशन में एंड डेल्टा वेरिएशन में, ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है.